हेलो दोस्तों, टेक्निकल वाले की दमदार कंपैरिजन वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हमारा जो वीवो की V25 5G वर्सेस हमारा जो ओप्पो रेनो 8 5G। तो दोस्तों, इस दोनों स्मार्टफोन उसके जो बजट के हिसाब से, मिड रेंज के बजट के हिसाब से कड़ी टक्कर देने वाले हैं आपस में। तो उसका जो सारे स्पेसिफिकेशन लगभग आपको बीच टू बीच देखने के लिए मिलता है। तो चलिए फुल डिटेल में, इन डेप्थ में बात करते हैं। इस दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा स्मार्टफोन में बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है उसका प्राइस रेंज के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए पहले में बात कर लेते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की जो इन हैंड फील के बारे में। तो यहाँ पे वीवो पे थिकनेस उसका 7.5 mm का थिकनेस देखने के लिए मिल जाता है, एंड आपको ओप्पो पे 7.7 mm का थिकनेस देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों वेट की बात करें, तो आपको यहाँ पे वीवो पे 186 ग्राम इसका वेट देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आपको ओप्पो पे यहाँ पे 179 ग्राम उसका वेट देखने के लिए मिल जाएगा। अभी चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी में इस दोनों स्मार्टफोन में आपको बैक वाले साइड पे ग्लास की बॉडी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, इस दोनों स्मार्टफोन की जो फ्रेम रहेगा ये आपको प्लास्टिक का देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी चलिए बात कर लेते हैं इस दोनों स्मार्टफोन जो डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में दोस्तों 6.4 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे 1080x2400 का देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करते हैं, तो मैक्स ब्राइटनेस आपको यहाँ पे वीवो पे 1300 nits का देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आपको यहाँ पे ओप्पो पे 800 nits का मैक्स ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में आपको यहाँ पे वीवो पे ज्यादा ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका जो आउटडोर का फीलिंग, आउटडोर में आपको डिस्प्ले में वीवो आपको ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर हम यहाँ पे इस दोनों स्मार्टफोन की जो प्रोटेक्शन के ऊपर बात करें, तो आपको यहाँ पे वीवो पे यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, एंड आपको ओप्पो पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अभी चलिए दोस्तों उसका जो परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस में दोस्तों आपको यहाँ पे OS एंड UI में एंड्रॉइड 12 का दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 12 देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे चिपसेट की बात करें, तो आपको यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में डायमेंसिटी का चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो वीवो पे डायमेंसिटी 900 का चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आपको यहाँ पे जो ओप्पो पे डायमेंसिटी 1300 का चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज्यादा पावरफुल चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है। एंड दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों आपको यहाँ पे 6nm बेस प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इस चिपसेट की जो एंटूटू स्कोर की ऊपर बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों वीवो पे आपको 4,69,000 के आसपास इसका एंटूटू स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आपको ओप्पो पे 6,99,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा इसका जो एंटूटू स्कोर। तो अभी चलिए बात करते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की जो स्टोरेज के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों उसका जो स्टोरेज वेरिएंट में आपको यहाँ पे वीवो पे 8GB रैम प्लस आपको यहाँ पे 128GB का स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आपको ओप्पो पे वही आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आपको दोस्तों यहाँ पे वीवो पे 12GB रैम की ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है 250GB स्टोरेज के साथ, एंड आपको ओप्पो पे वही आपको 8GB रैम ही देखने के लिए मिल जाएगा 250GB स्टोरेज के साथ भी। एंड आपको दोनों ही स्मार्टफोन जो रैम टाइप आपको LPDDR4X का आपको यहाँ पे रैम का टाइप देखने के लिए मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन में। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की जो मेन कैमरा के ऊपर। अगर हम यहाँ पे मेन कैमरा की बात करें, तो आपको यहाँ पे वीवो पे उसका 64 MP का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, एंड दोस्तों आपको एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आपको एक 2 MP का मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों आप 4K में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको वीवो पे EIS प्लस उसका OIS दोनों ही स्टेबिलाईजेशन फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ओप्पो पे 50 MP का मेन कैमरा दोस्तों 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड आपको 2 MP का मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। एंड दोस्तों इस स्मार्टफोन में आप 4K में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो वीडियो स्टेबिलाईजेशन में सिर्फ आपको यहाँ पे EIS का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको यहाँ पे OIS का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वीवो विन कर जाता है स्टेबिलाईज के मामले में। और मैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें, तो आपको यहाँ पे वीवो पे 50 MP का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, एंड आपको ओप्पो पे यहाँ पे 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। वीवो पे आप इस 50 MP का मेन कैमरा का इस्तेमाल करके 4K में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे फ्रंट कैमरा में भी, लेकिन आपको यहाँ पे ओप्पो पे 4K का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है उसका फ्रंट कैमरा में, सिर्फ आप यहाँ पे फुल HD प्लस में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अभी चलिए दोस्तों इस दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में अगर बैटरी कैपेसिटी के ऊपर बात करें, तो आपको यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में 4500 mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आपको यहाँ पे वीवो पे चार्जिंग में 44 W का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आपको ओप्पो पे यहाँ पे 80 W का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा चार्जिंग में। लगभग आपको यहाँ पे वीवो से डबल वाट की चार्जिंग सपोर्ट
ऑफर देखने के लिए मिल जाता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे ओप्पो के जो स्मार्टफोन आपको यहाँ पे बहुत ही जल्दी यहाँ पे उसका चार्ज हो जाएगा। तो अभी चलिए दोस्तों नेटवर्किंग के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वीवो ओप्पो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे जो 5G का जो बैंड होता है दोस्तों आपको यहाँ पे वीवो पे 5G बैंड 5 की सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, एंड ओप्पो पे दोस्तों आपको यहाँ पे 5G बैंड 12 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको USB टाइप सी का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, एंड दोनों ही स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 3.5mm जैक देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की जो अनलॉकिंग फीचर के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, एंड दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों आपको यहाँ पे फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग जो होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है पैसे। तो आपको यहाँ पे प्राइस दोनों स्मार्टफोन में लगभग आसपास की देखने के लिए मिल जाएगा, सिर्फ 1-2 हजार रुपए इधर उधर हुआ है। यहाँ पे आपको वीवो का जो स्मार्टफोन आपको यहाँ पे 2799 में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 28,000 के आसपास। आपको ओप्पो का जो स्मार्टफोन है दोस्तों आपको यहाँ पे 2999 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे 30,000 के आसपास। दोस्तों अभी अगर हम लास्ट में इस दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करते हैं, आप इस दोनों स्मार्टफोन की जो प्राइस के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन को बाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा और अच्छा फीचर मिल जाता है उसका प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ पे और यहाँ पे डिस्प्ले प्रोटेक्शन IP रेटिंग एंड दोस्तों उसका जो परफॉर्मेंस स्टोरेज एंड मेन कैमरा फ्रंट कैमरा एंड बैटरी और लास्ट में जो प्राइस, इस सारे चीजों को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे वीवो V25 5G विन हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था इस दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन वीडियो। तो दोस्तों ऐसे ही मजे मजे टेक्स रिलेटेड हमारे चैनल पे कंटेंट आते ही रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे ही टेक्स रिलेटेड कंटेंट में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक ठोक के आप दोस्तों साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कीप सपोर्टिंग टू टेक्निकल वॉलेट। थैंक यू।